नागरिकता संशोधन एक्ट पर देश भर में प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट जाए याचिकाकर्ता। जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या कर सकती है। सुंदरबन इलाके में पाक गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद, इंडियन आर्मी ने की कार्रवाई, पाक सेना के 2 SSG कमांडो मार गिराए गए। जामिया कांड में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, एक और FIR के लिए दी गई अर्जी। DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। देशद्रोह केस में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा। झारखंड के साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चुनावी जनसभा। PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार। नागरिकता संशोधन कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी भारतीय मुस्लिमों को डराने के लिए झूठ का वातावरण बना रहे हैं, वे हिंसा फैला रहे हैं। निर्भया केस के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, नई बेंच करेगी सुनवाई, CJI नहीं होंगे शामिल। उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर की सजा पर सुनवाई टली, अब सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को होगी सुनवाई। हिंदुओं को 8 राज्यों में अल्पसंख्यक घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। दिल्ली में तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा, आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार को हल्की तीव्रता का आया भूकंप, जान माल का कोई नुकसान नहीं। झारखंड में आज CM योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, 3 रैलियों को किया संबोधित। 19 दिसंबर से 2 दिवसीय भारत दौरे पर पुर्तगाली PM एंटोनियो कोस्टा PM मोदी से करेंगे वार्ता। आज से UP विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र का हुआ आगाज। अमेरिका ने कहा, नागरिकता कानून को लेकर भारतीय हालात पर नजर। उत्तर प्रदेश में 3 IAS का हुआ ट्रांसफर। गाजियाबाद में प्रदूषण फैलाने पर 22 किसानों पर लगा 5,50,000 रुपए का जुर्माना। रजनीकांत ने नागरिकता संशोधन एक्ट और जामिया के सवाल पर किया किनारा, बोले किसी और प्लेटफॉर्म पर दूंगा जवाब। मुडीज के मुताबिक भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 4.9% रहने का अनुमान। चीन में कोयला खदान में धमाका, 14 लोगों की हुई मौत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।